नहीं आज मैं पहली दफा सारा टीवी पे बैठ गया, मुझे ओपन करवा रहे हैं यार, वैसा कुछ ही कटा लेता मेरे। ये स्टोरी मैंने कभी नहीं, अच्छा जिंदगी नहीं सर, ये कभी नहीं बताई। ये तो फिर जबरदस्त, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप तो सर इसकी कजन्स वगैरह थी, तो इसने आके एक पूछा, हाँ भाई व्हाट्स ऑन, क्या है, व्हाट्स न्यू, आजकल क्या चल रहा है। सर वो इतना दरवेश आदमी था, अमान साहब, उनके मुंह से एक निकली हुई बात सर, वो मेरी जिंदगी में पूरी हुई है सर। और आपके बारे में की थी? मेरे बारे में की थी, एक प्रेडिक्शन की, उनके मुंह से निकला था वो। वो निकला क्या था सर, कि हम ओपन एयर थिएटर में एक ड्रामा कर रहे थे, मैं उसमें हीरो कर रहा था, और वो ये सारे जुगतिए जो थे आपने, तो मेरी सर एंट्री होती है, तो वो मैंने पता नहीं उनको कोई बात कहता हो तो कहते हैं रहन दे, तू की सैगला दा दमा देगा। और तुझी सैगल दा दमा देगा। वाह वाह वाह, दोनी मुझे काम करते हो जाए, रहन दे तू की सैगला दा दमा दे। तो सर उसी ड्रामे के दौरान मैं सैगलों का दमाद बन गया था। महमूद भाई उसके बाद फिर आप इंडस्ट्री में क्यों नहीं चले गए? सर फिल्म इंडस्ट्री में गया था। उस इंडस्ट्री में सर नहीं, शायद सर वो एक खुददारी थी। ओह गॉड, अच्छा मैंने अजी सर मैंने अच्छा, आपने मैंने आज तक कभी अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने अपने बीवी के पैसे पे नजर रखी है सर, नहीं ना मैंने अपने इन लॉज, वो अगर 100 रुपया खर्च करते थे तो मैं 200 करता था, कि सर वो ये ना कहें कि शायद इसने हमारी बेटी से पैसे के लिए शादी की है, तो वो लेकिन सर मुझे उनसे बहुत प्यार मिला। हाँ, सर जाहिर है शुरू में बहुत डरे हुए थे। हाँ, अच्छा, कि मैं पता नहीं की कर जाऊंगा कि शादी आसानी से हो गई थी या कुछ दिक्कत? नहीं सर, यूं की चीजें आसानी से थोड़ा होती है। हाँ, सर मैं मिडिल क्लास आदमी था, वो माशाल्लाह उनका 22 खानदानों में नाम था, लेकिन सर इसमें सारा क्रेडिट मेरी बीवी को जाता है सर, अमरीन ने बहुत स्टैंड लिया था सर। पहली मुलाकात इब्तिदा कैसी हुई, मोहब्बत की याद आती है? ये फिर लंबी चली जाएगी बात, सर कोई गल नहीं करो सर, ऐसी थे ही आज ये तो सब सुनना चाहेंगे। सर वो ये था कि मैं सर ग्रेजुएशन की थी, तो मैंने सर यमी 36 आपने नाम सुना होगा, जी जी, लिबर्टी में वो एक आइसक्रीम पार्लर खुला था, मेरे एक दोस्त था तौसीफ खान, वो यमी में काम करता था, ठीक है। मैं सर ग्रेजुएशन की थी, मैं फारिग था, तो मैं आई लिव इन टाउनशिप, हम संतनगर से टाउनशिप शिफ्ट हो गए थे, बैठे हुए थे, तो वो ना शो मार रहा था, वो यमी च मेरा आया था, यमी मेरा टैका, मैं मैनेजर नाल है तालुका, तो उन्होंने कहा कि ओए जैनई तेरा टैका है, तो महमूद नु नौकरी करवा। उन्हें कहा कोई गल नहीं, मुझे कहता तू कल आ जा। मैं सर यमी के चला गया उस शुगर लगाने के, चल आइसक्रीम खिलाएगा तो जरा शुगर मेला लगा के आ जाऊँगा। वो सर उससे मेरी मुलाकात करवा दी जाहिद हामिद साहब से, ठीक है, जो अब हमारे जो वजीर कानून भी रहे हैं। खैर मैं बड़े तमीज से जाके बैठा, बात बात हुई, तो मुझे कहने लगे, वो सर सेल्स ऑफिसर के लिए ना वो जॉब थी, तो उसमें ये होता था कि आप बाइक पे जाके सेल करते हैं, कट्टे मिट्टियाँ इच जाना, मुझे तो आइसक्रीम बेचनी है, फ्रीजर रखवाने, ये काम था। मुझे कहने लगे यार ये आप मुझे अच्छी फैमिली के लगते हैं, तमीज़ वाले लग रहे हैं, तो कहने लगे महमूद व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी एज अ मैनेजर यमी 36 पे, हमें मुझे ज़रूरत है। मैं क्या जाहिद साहब, मैं तो सर अभी कोई जॉब नहीं की है जी, मैं तो अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहने के यार तुम काम करोगे तो एक्सपीरियंस होगा ना, काम ही नहीं करोगे तो एक्सपीरियंस कैसे होगा, क्या बात है। तो तुम वो मैं अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हें देता हूँ, तुम सिलेक्ट हो तो तुम जाओ, मेरी वालदा वो सारा अरेंज करवा रही है, वो बन रहा है अभी, तो गो और एज ए मैनेजर वहाँ पर तो जॉब से बात। मैं उसे मैनेजर बन गया सर, जाके मेरा टैका फोन पर बैठा है, ओए ये करो, ओए भाई से वो करके, ओए मशीन नहीं साफ की, और सारे शहर में खबर थी यमी 36 36। अच्छा सर उन जमाने में मैंने समुंदर कर लिया हुआ था, अच्छा तो समुंदर का नजीब जो भी वो मशहूर था करेक्टर, अच्छा अच्छा अच्छा। पीटीपी में आपको पता ही है सर, एक ड्रामा चलता एक रात में, समुंदर तो बहुत बड़ा हिट था सर, लेकिन मेरा उसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था सर, छोटा मोटा मैं उसमें था, लेकिन वो चूंकि सारे करेक्टर ही उस पर वो कॉन्सेंट्रेशन होती थी ना, रजिस्टर हो गए थे, रजिस्टर हो गया मैं। ये सर इनकी ये अमेरिका गई हुई थी अपने भाई के साथ ना, तो वापस आई तो इसकी बाकी मगो फैमिली और वो इनकी इसकी कजन्स वगैरह जो थी, नहीं आज मैं पहली दफ़ा सारा टीवी पे बैठ गया, मुझे ओपन करवा रहे हैं यार, वैसा कुछ ही कटा लेता मेरे। ये स्टोरी मैंने कभी नहीं, अच्छा जिंदगी तो, नहीं सर ये कभी नहीं बताई, ये तो फिर जबरदस्त, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप तो सर इसकी कजन्स वगैरह थी, तो इसने आके पूछा, हाँ भाई
व्हाट्स ऑन, क्या है, व्हाट्स न्यू, आजकल क्या चल रहा है. तो रोही यमी 36 को आइसक्रीम पार्लर, और यू नो वहाँ जो मैनेजर है ना वो नजीब, समुंदर का नजीब है, एक्टर, टीवी एक्टर है वो. हम ना उसको, एंड हाउ हैंडसम ही इज, है ना, तो सोने से मुछा भी नहीं लगा. नहीं नहीं सर, क्या बात है, मुझे नहीं, क्लीन शेव. अब सर तो वो यमी सर वो क्या करती थी सर, कजन, उनका दिल चाहता था मुझसे बात करने का. वो घर से ना वो प्रैंक कॉल्स किया करती थी, तो फोन नंबर मिला ना, मैं अको विला बैठा हूँ ना सर, तो मैं बड़े मजे मजे की बात है, जुगता ला ला, कौन है, की पे करना, ये वो, तो वो आगे से ना हंसने की आवाजें आती थी, बोलता कोई नहीं था. खैर वो थोड़ी देर उसके बाद वो बंद हो जाता था फोन. इसने कहा कि नहीं ये गलत बात है, या तो आप उससे बात करो, और या ये क्या हुआ कि नंबर मिला के और आप प्रैंक कॉल्स उसको कर रहे हैं. हाय नहीं हमने नहीं करना. अच्छा तुम कर लोगे, तुम्हारा दिल चाह रहा है. उसने कहा हाँ चलो मैं बात कर लेती हूँ. बस सर वो बेचारी थी बदकिस्मती. और मैं महमूद असलम को फोन मिला देता हूँ. हाय 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 सर. फिर क्या शादी सर, क्या महमूद असलम ने तमीज से, तरीके से बात की. वो सर फ्लिप हो गई मेरी अदा के ऊपर, यार कितना डिसेंट आ गया. उन्हें की पता इतना नहीं है गाड़ी को. उसके बाद ही गला खुल गया. बस फिर वो दोस्ती में, तब तक मुझे नहीं पता था कि वो मियां साहब की बेटी है. ठीक है, वो सर बातें होती रही. फिर वो एक दिन आइसक्रीम खाने आ गई अपनी चचा की बेटी के साथ. तो वो फिर उसने गाड़ी का नंबर हमारे, वो नोट होता था बाहर जो सर्विंग होती थी ना जी, वो गाड़ी के नंबर से ऑर्डर होता था कि फलाना 70-22 आ गई है जी. वो 70-22 नंबर था वेटर एक दो बड़े. वो जब भी उसके बाद वो जब भी आती थी ना करेंगे तो वो मेरी उसके सीट के पास से गुजर के जाते थे पीछे आइसक्रीम डलवाने का ऑर्डर लेने के लिए. तो वो जाते जाते ना यार मैं तो, ये बड़ा दिलचस्प वाक्य है. और लाजवाब है कि इतना दिलचस्प है कि मैं रोकना नहीं चाह रहा, मगर मुझे ब्रेक पे जाना है. मैं यहीं से आगे अच्छा चले स्टे विद अस महमूद भाई अपनी जिंदगी के वो वाकया शेयर कर रहे हैं जो कि खुद उन्होंने आज कहा कि कभी उन्होंने इससे पहले कहीं शेयर नहीं किया. तो छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं. बहुत लुत्फ आने वाला है प्रोग्राम के अगले मरले में आपको, इसलिए कि हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली महमूद असलम साहब. आप देख रहे हैं जबरदस्त. बहुत शुक्रिया. जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद. और महमूद भाई आप बता रहे थे कि कैसे आपकी बेगम साहबा से मुलाकात हुई, जो कि एक यानी कि पाकिस्तान के जो उमरा के खानदान है उनसे उनका ताल्लुक था. 70-22 पे बात रुकी थी जी, उस पे हो रही थी. आइसक्रीम खाने आती थी कजन के साथ फिर ये, तो वो फिर जो होते थे वेटर वो बड़े शरारती थे. वो जब मेरी टेबल के पास से गुजरते थे ना, वो ऑर्डर वाली कॉपी उन्होंने हाथ में पकड़ी होती थी. सर 70-22 का ऑर्डर आया सर. बस सर वो फिर मुलाकात हुई, फिर वो बात शादी तक पहुंच गई. ठीक है, फिर वो उनकी फैमिली आई देखने पे प्रॉपर तरीके से जिसका था वो सर. बस फिर वो तो ये नहीं हुआ कि भाई इतने माली लिहाज से जो मजबूत लोग होते हैं बाद मिडिल क्लास में बच्ची का रिश्ता देते हुए 100 तरह जी सर जी सर बिल्कुल होता है, बिल्कुल शायद होता है. वो भी होता है कि भाई लेकिन खास लाइफस्टाइल होता है ना. वो उन्होंने कहा कि भाई एक्टर है क्या कल को, और उस जमाने में पीटी पे 13 जरा एक दिन का खर्चा होती तो पूरे महीने की तनख्वाह होगी. टिपिकल फिल्म वाली बात. जी जी के ये लो आपको ब्लैंक चेक नहीं दिया गया सर, ये ब्लैंक चेक है. नहीं सर होते आली ठहर जाओ, उससे पहले मेरी माँ जो डरी है वो मीरा दे बोल फस गए ने ते मेरे पुत्र नूं मरवा देंगे. ते नहर तो आंदा जांदा है, एदे कोल मोटरसाइकिल हैगी है, ते ए तो गड्डी की कोई टक्कर मार गया ते इसको तो मरवा देंगे एक्सीडेंट करवा के. लेकिन सर वो बहुत उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ ये था कि वो थोड़ा सा स्टैंड लिया. टिपिकल वो जो एक होता है, दे डोंट वांट के यार ये इस मतलब जाहिर है उनको उस अपनी बच्ची का पता भी था सर. लेकिन सर मुझे उसने कहा कि तुम शादी करो तो मैं तेरे झाड़ू भी लगाऊंगी, बच्चे भी पालूंगी, मैं तेरे जो काम तू कर लूंगी, बात तू शादी कर ला मेरे लाल. तो वो सर उसने वो सारा फिर किया. ये मैं उसको क्रेडिट देता हूँ कि उसने वो आके फिर सर मेरी माँ से उसने खाना पकाना भी सीखा, कुछ मुझसे सीखा, उसने मेरे बच्चे भी पाले, उसने झाड़ू भी लगाया,
उसने सब कुछ किया सर, तो ये उसका बड़ा क्रेडिट है और ये मोहब्बत का भी क्रेडिट है सर। जाहिर है सर, आप प्यार में तो मोहब्बत की कहानी है जो आपने सुना, असल में मोहब्बत सर। वाह, नो डाउट। अच्छा महमूद भाई, इस कदर मोहब्बत की शादी, और आपको खुद भी ये एहसास है कि बेगम साहिबा ने एक यानी कि ऐसा लेविश लाइफस्टाइल छोड़ के और फिर एक मिडिल क्लास में घराने में आना और वो सारी जो आसाइशें हैं उनको तर्क करना और बिल्कुल और तरह से ज़िंदगी गुजारना। और चूंकि हम इस पर बात कर चुके थे आपसे, मैंने ये पूछा था, इसलिए मैं भी ये सवाल कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं करता आपसे ये सवाल। तो और फिर उसके बाद आप एक नए रिश्ते में चले गए, तो खुद आपके अंदर तोड़फोड़ नहीं हुई कि एक तो नॉर्मल शादी होती है ना जी, वो भी एक अलग बहस है, उसमें भी जाना चाहिए कि नहीं, मगर इसमें तो बेपनाह कुर्बानियां नजर आती हैं, मोहब्बत नजर आती है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं आपको सच बताऊं कि मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था दूसरी शादी का, ना मेरा कोई था कि मैं करूँगा, लेकिन मुझे वाकई कसम से ये हो गया, बस जो कुछ भी हुआ, जो भी सिनेरियो बना, या कोई लड़ाई झगड़े से नहीं हुआ, और लेकिन जाहिर है इसके लिए वो बड़ी बात थी, फर्स्ट वाइफ के लिए होती है, और मैं लेकिन ये बहुत बड़े दिल की खातून है और मैं इसका बहुत एहसान मंद हूँ इस मामले पे कि उसने कभी आज तक कुछ कहा नहीं है, ना मेरी उस फैमिली को, ना उसके दिल में डेफिनेटली ग्रजेस होंगे, जो भी होगा मैं शायद वो ना निकाल सकूं। तो पता लगा या आपने बताया? सर मैंने बताया, मैं सर एक महीना सिर्फ छुपाया था, आप यकीन करें मुझसे नहीं, मैं एक अजीब सा बंदा हूं सर, मैं ना वो मेरे से झूठ नहीं बोला जाता सर, ना मैंने बच्चों को सिखाया है, ना मेरे माँ बाप ने हमें सिखाया था, तो मुझे झूठ बोलना पड़ जाए सर मेरी मौत है। मैं कोशिश करता हूँ कि, और मैं सबसे अपील भी करूँगा, प्लीज़ झूठ ना बोला करें, तो सर मैंने खुद बता दिया फिर, तो जाहिर है वो कुछ अरसा था, थोड़ा सा जो होता है कि इंसर्ट वो क्या कह रहे हैं कि आदमी को ना एक धचका सा तो लगता है, वो तो है, लेकिन बहरहाल हो गया सर, अब मैं मानता हूँ इस चीज़ को और वो हो गया, और मैंने कोई जानबूझ के किसी रीज़न की वजह से नहीं की, वो हो गई बस, शायद अल्लाह ने जोड़े बनाए हो, मैंने हम फिर उस बात पर आ जाते हैं, तो वो हो गई सर बस, वो भी मोहब्बत की थी, वो भी मोहब्बत की थी। आप तो मोहब्बत को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। सारी अगले दिन बात थी। आपके तो सारी इसी तरह। आखिरी पत्ता मारा है ना, उन्होंने सारी सारी चुगली सुनी है। अच्छा लोग मेरे से पूछते, कहते हैं मुझे, कहने यार कि क्या गिद्दड़ सिंगी है आपके पास? नहीं, वो कहते हैं कि हमने एक शादी की है, हमारे मुंह पे 12 बजे होते हैं बल्कि 14 बजे होते हैं, और हम हर वक्त ना टेंशन में मोस्टली कि यार बीवी का ये मसला फलाना ये तो टेंशन में रहते हैं। तू क्यों इतना, तू दो तेरे है ब्याह है ना, तू ये देख किस तरह हंस रही है। मेरे शक्ल से लगता है कि मैं कोई टेंशन में हूँ या गुना हंसता खेलता हूँ। बैलेंस कैसे, यार ये अच्छा सवाल किया लड़की ने, बच्चे ने, आपका अपना इरादा तो नहीं है? अच्छा एक भी नहीं हुई है। अच्छा एक भी नहीं हुई है सर, मेरा ख्याल है कि मैं सर छुपाता नहीं हूँ कुछ, झूठ नहीं बोलता, मतलब है कि ना पहली बीवी से ना दूसरी बीवी से। इस हवाले से आखिरी सवाल, क्या बच्चों की और बेगम साहब का तो बहुत ही वो होता है, बच्चे भी यकीनन डिस्टर्ब होते हैं, क्या रवैये में नज़रों में कोई तब्दीली आती है या नहीं आती बिल्कुल? मेरी बेटी ने कहा ना कि बाबा ये आप उधर उसके पास चले जाएं, इधर छोड़ दें हमें, तो मैं रो पड़ा सर, मैंने कहा ये मैं कैसे आप लोगों को छोड़ दूंगा, तो मैं तो नहीं ये कर सकता, तो प्लीज़ एनून एक्सेप्ट कर लो, वो चल पा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब आप का ये कहना है, और हम जानते भी हैं कि सब खुश हैं माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बस ये दुआ करे अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह खुश रखे। बात है जो हो चुका होता है जिंदगी में आगे। जी सर, जी सर, जी सर। ये ज़ालिम और शाह जी प्यार मोहब्बत है बस, है क्या ना, लड़कियां इसी शक्ल पे तो फंसती हैं यार। महमूद भाई मैं जिस जमाने में लिख रहा था ज्यादा, कितना आते थे शाम को, उस जमाने में खबर नहीं आती थी कोई चीज कभी आपने, आप इतने इंटेलिजेंट आदमी, आप हमारे सामने कभी कुछ करते थे? आडिया से रिपोर्ट इधर उधर मिल दिया सर। नहीं नहीं मजाक कर रहे हैं।